क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे. एक्सपांड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटी. देखो आप इसमें देखोगे आप x plus 2y plus 4z होल स्क्वायर, ये आपका फर्स्ट पार्ट है. अभी तक आप a plus b होल स्क्वायर करते थे, a plus b होल स्क्वायर करते थे. अब इसमें आप देखोगे आपके पास a plus b plus c होल स्क्वायर, a plus b plus c होल स्क्वायर. इसका फॉर्मूला रहता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca. देखो इसमें a, a क्या है आपके पास x, a is x, b is 2y and c is 4y. तो आप यहाँ पे वैल्यूज को आपकी जो भी है a और जो भी a क्या है आपका x, b क्या है आपका 2y, c क्या है 4z, तो यहाँ पे पुट करोगे a is x होल स्क्वायर प्लस b is 2y होल स्क्वायर प्लस c is 4z होल स्क्वायर प्लस 2 a a क्या है x और b क्या है 2y प्लस 2bc b is 2y 4z प्लस 2ca प्लस 2ca c is 4z then x. x square आप या तो इसको 2 टाइम्स लिखिए x into x या आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो x into x is x square plus 2y square. 2y square is 2y into 2y. 2y into 2y होगा तो क्या आएगा 4y square. next is 4z whole square. 4z into 4z. 4 4s are 16, 16z square plus. अब नेक्स्ट आप इसको सॉल्व कीजिए 2x. ये तीनों क्या है मल्टीप्लीकेशन है 2 इंटू एक्स इंटू 2y. तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 टू 4 एक्स 1 प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए आप क्या आएगा 2 टू 4 4 4 16 16 yz प्लस नेक्स्ट टर्म 2 4 8 8z x. क्लियर. ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट था. अब नाउ सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट इज 2x माइनस y प्लस z ठीक है. आपके पास था a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर. ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca. देखो इसमें आपके पास प्लस है माइनस नहीं है तो हमें इसे माइनस को हमें प्लस करने के लिए देखिए आप कैसे लिख सकते हैं. इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस y है हम इसको लिख सकते हैं माइनस y प्लस c प्लस z होल स्क्वायर. देखो जब आप इसको ब्रैकेट ओपन करोगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा तो क्या एग्जैक्ट यही बनेगा 2x माइनस y प्लस z होल स्क्वायर. तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म 2x सेकेंड टर्म इज माइनस y एंड थर्ड टर्म इज z. इट मीन्स a क्या है आपका 2x, b क्या है आपका माइनस y और c क्या है आपका z. तो आप पुट कीजिए a 2x होल स्क्वायर प्लस b इज माइनस y होल स्क्वायर प्लस c इज z स्क्वायर प्लस 2 a इज 2x एंड b इज माइनस y प्लस नेक्स्ट 2bc 2 b इज माइनस y c इज z प्लस 2ca. अब देखो 2x स्क्वायर 2x इंटू 2x मींस 4x स्क्वायर. तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 4x स्क्वायर प्लस नेक्स्ट देखिए माइनस y स्क्वायर. माइनस y स्क्वायर मींस माइनस y इंटू माइनस y y y कट दैट इज y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस माइनस इज माइनस. आप यहाँ पे लिख लीजिए यहाँ पे आओगे तो देखो प्लस माइनस इज माइनस 2 2s are 4 or x y minus 4 x y next plus minus is
माइनस 2yz. नेक्स्ट यहाँ पे आएंगे आप, देखो दे 2 2s आपको 4zx, बस आपको साइन का ध्यान दीजिएगा. देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस क्या होता है, माइनस. ये नाउ सेकंड पार्ट हो गया. नाउ थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट इज माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z होल स्क्वायर. देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में माइनस 2x, तो आप इसको a क्या कंसीडर करोगे, यहाँ a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यही है. अब देखो a क्या है, आपके पास 2x नहीं है, क्या है, माइनस 2x. a इज माइनस 2x, b इज 3y एंड c इज 2z. जब वैल्यूज पुट कर दे तो आप ध्यान से कीजिएगा, a इज माइनस 2x होल स्क्वायर, b इज 3y होल स्क्वायर, c इज 2z होल स्क्वायर प्लस 2ab. 2 a इज माइनस 2x, b इज 3y प्लस 2bc, b इज 3y 2z. नेक्स्ट 2z, a इज माइनस 2x. अब आप वैल्यूज को सॉल्व कीजिए, माइनस 2x इनटू माइनस 2x, देखिए माइनस माइनस इज प्लस, 2 2s आर 4, 4x स्क्वायर आएगा प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3y इनटू 3y इज 3y into 3y is 9y square plus 9y square plus 2z into 2z. 2z into 2z is 4z square. अब साइन का ध्यान दीजिए, प्लस माइनस इज माइनस, 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12xy plus 2 3s are 6, 6 2s are 12, 12yz. अब साइन देखिए, प्लस माइनस इज माइनस, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8zx. ये क्या है आपका आंसर. नाउ नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, 3a माइनस 7b माइनस c होल स्क्वायर. इसको हम ऐसे लिखेंगे, 3a प्लस माइनस 7b को ब्रैकेट में लिखेंगे प्लस माइनस c होल स्क्वायर. तभी ये प्लस के फॉर्म में होगा, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर फॉर्मूला है. प्लस के फॉर्म में लिखना है. जब आप इसको ओपन करोगे तो देखो, प्लस माइनस इज माइनस, प्लस माइनस इज माइनस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca. ए बी और सी की वैल्यू को पुट करो, ए क्या है 3a, बी क्या है माइनस 7b एंड सी इज माइनस सी. 3a होल स्क्वायर प्लस माइनस 7b होल स्क्वायर प्लस सी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस 2ab, ए बी प्लस 2bc माइनस 7b माइनस सी प्लस 2ca. 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर इज 3a इंटू 3a, 3a इंटू 3a इज व्हाट, 9a square. Next, देखिए आपके पास माइनस 7b इंटू माइनस 7b. माइनस माइनस कट, 49b square. 49b square. Next is माइनस c इंटू माइनस c. माइनस c इंटू माइनस c, दैट इज माइनस माइनस कट, c इंटू c इज c square. देखिए अब प्लस माइनस इज माइनस, अब आप मल्टीप्लाई कर कीजिए, 2 3s आर 6, 6 7s आर 42 ab. अब देखिए आपके पास यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, तो माइनस प्लस माइनस इज माइनस, माइनस माइनस इज प्लस, माइनस माइनस क्या हो गया आपका, कट हो गया. क्या बचा सिर्फ आपके पास, प्लस 5, 2 7s आर 14, 14 b c.
प्लस माइनस इज माइनस. अब मल्टीप्लाई करोगे टू थ्री जा सिक्स सिक्स सी. नाउ फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट इज माइनस टू एक्स प्लस फाइव वाई माइनस थ्री जेड फोर स्क्वायर. इसको देखो, आपको लिखने के लिए माइनस टू एक्स प्लस दे प्लस माइनस टू एक्स ऐसे भी लिख सकते हो, बट स्टार्टिंग में आपको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं रहती. तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो माइनस टू एक्स प्लस फाइव वाई प्लस के फॉर्म प्लस. अब ब्रैकेट में क्या लिखोगे, माइनस थ्री जेड फोर स्क्वायर. अब इसमें आप अपने फॉर्मूले को यूज कीजिए, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर. ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज व्हाट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी. अब आपको पता है ए क्या है, यहाँ पे माइनस टू एक्स, बी क्या है फाइव वाई और सी क्या है माइनस थ्री जेड. तो माइनस टू एक्स होल स्क्वायर प्लस बी इज फाइव वाई होल स्क्वायर प्लस सी इज माइनस थ्री जेड होल स्क्वायर प्लस टू ए इज माइनस टू एक्स फाइव वाई प्लस टू बी सी प्लस टू माइनस थ्री जेड ए इज माइनस टू एक्स. आपने पुट की वैल्यूज को तो देखो, माइनस टू एक्स इन टू माइनस टू एक्स होल स्क्वायर है ना, माइनस माइनस कर दैट इज फोर एक्स स्क्वायर प्लस फाइव वाई स्क्वायर. फाइव वाई स्क्वायर इज ट्वेंटी फाइव वाई स्क्वायर. नेक्स्ट माइनस थ्री जेड इन टू माइनस थ्री जेड, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा कट, माइनस थ्री जेड इन टू माइनस थ्री जेड माइनस माइनस कट दैट इज नाइन जेड स्क्वायर प्लस नाइन जेड स्क्वायर. नेक्स्ट प्लस माइनस इज माइनस, टू टू जा फोर, फोर फाइव जा ट्वेंटी, ट्वेंटी एक्स वाई. नेक्स्ट प्लस माइनस इज माइनस, टू फाइव जा टेन, टेन थ्री जा थर्टी, थर्टी वाई जेड. नेक्स्ट प्लस माइनस इज माइनस. अगेन देखो प्लस माइनस इज माइनस, सॉरी देखो आपके पास यहाँ पे माइनस माइनस दो थे, तो आपने माइनस माइनस को क्या कर दिया, कट कर दिया, तो आपके पास क्या बचा यहाँ पे प्लस साइन. टू थ्री जेड सिक्स, सिक्स टू जेड ट्वेल्व, ट्वेल्व जेड एक्स. दिस इज फिफ्थ पार्ट. नाउ लास्ट सिक्स्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर फोर. Now sixth part, 1 by 4 a minus 1 by 2 b plus 1 whole square. आप इसको लिख सकते हो ऐसे 1 by 4 a plus bracket में लिखोगे minus 1 by 2 b plus 1 whole square. देखिए आप a plus b plus c whole square equals to, आपके पास से फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए. कर दीजिए आप ए क्या है, वन बाई फोर ए होल स्क्वायर. बी इज माइनस वन बाई टू होल स्क्वायर प्लस सी इज वन स्क्वायर. ओके नाउ नेक्स्ट टू, ए इज वन बाई फोर ए, b is minus 1 by 2b plus 2bc. bc यहाँ पे b क्या है, minus 1 by 2b and c is 1 plus 2. c is 1 and a is 1 by 4. ठीक है, आपको ध्यान इस बात का रखना है कि आप a a, ऐसा नहीं कि a को 1 by 4 लोगे, नहीं, a क्या है पूरा 1 by 4 है और b क्या है minus 1 by 2b and c is 1.
देखो इसको आप 1/4a into 1/4a क्या रहेगा 1/16a² नेक्स्ट 1/2 into -1/2b into -1/2b माइनस माइनस कर दैट इज 1/4b² 1² इज 1 नेक्स्ट में आप देखोगे प्लस माइनस इज माइनस अब यहाँ पे आप मल्टीप्लीकेशन है 2ab इन सबके अंदर मल्टीप्लीकेशन का रिलेशन है तो माइनस माइनस आप मल्टीप्लीकेशन में क्या कर सकते हो कट कर सकते हो साइन देखा आपने प्लस माइनस माइनस 2 से 2 कट दिया क्या बचा 1/4ab नेक्स्ट आपको 2 से 2 कट हो जाएगा प्लस माइनस इज माइनस बी नेक्स्ट 2 1 2 2 2 4 तो आपके पास क्या बचेगा 1/2a ये क्या है आपका लास्ट क्वेश्चन लास्ट पार्ट का आंसर ठीक थैंक यू.